आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी सोसाइटी के हवाले से डिस्कस करूंगी जहां पे आपको ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं ऑन इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं, फाइल्स में आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो इजी इंस्टॉलमेंट्स में हैं। क्या ये सोसाइटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है या नहीं, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मेरिनसा सईद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। आज के मेरे इस वीडियो में आपको अल रहमान गार्डन फेज 7 के हवाले से डिस्कशन करूंगी। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इसमें आपको दो तरह की कैटेगरीज हैं। जो हजरात यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट लेके यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल हैं प्लॉट नंबर्स के साथ। और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल इजी इंस्टॉलमेंट्स में, जो बिल्कुल मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उनको भी हमारे पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात करें तो ये सिर्फ दो कैटेगरीज के इसके ब्लॉक हैं, हैदर ब्लॉक है और अली ब्लॉक है, जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें मिनिमम जो डाउन पेमेंट है इनकी वो 6.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। और डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी इसमें आपको अवेलेबल होती है। इसमें आपको कमर्शियल की जो प्राइसेस है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रिसेंटली इन्होंने सेक्टर 42 जो लॉन्च किया है, एक बहुत ही अच्छा ब्लॉक है। आफ्टर अगर हम इसकी पुरानी डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें, अल रहमान गार्डन हमेशा से अपने जो प्रोजेक्ट है वो जो गिवन टाइम होता है उसमें वो डिलीवर करता है। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अगर देखा जाए तो ये एलडी से अप्रूव्ड है और इस तरह का इसका कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर कोई क्लाइंट अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उनको यहाँ पर नुकसान हो या किसी किस्म का डर हो। रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से होती हैं। अगर आप ये कहें कि आपको 1 से 2 साल में इसमें प्रॉफिट हो तो ऐसा नहीं होता। इसमें आपको मिनिमम 3-4 साल तक होल्ड ऑन करना पड़ता है। अगर इसकी अमेनिटीज़ की बात की जाए ना, तो इसमें आपको हर तरह की सहूलियात मुयसर होंगी इन फ्यूचर, जिसमें आपको स्कूल, प्लेग्राउंड, मॉस्क, जो तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात होती हैं वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। क्योंकि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, ये शर्कपुर रोड पर सेकेंड बड़ी सोसाइटी है जो बनने जा रही है। पहली सोसाइटी देखा जाए तो अलनूर ऑर्चर्ड है और सेकेंड अल रहमान गार्डन एंड थर्ड अल जलील गार्डन है। इन सोसाइटीज़ का जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ वो नेशनल सोसाइटीज़ की तरह नहीं इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरसीज़ जिस तरह बाहर रहते हैं, बाहर की सोसाइटीज़ में आ जाता है, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर मैं आपको अल रहमान गार्डन फेज 7 के पेमेंट प्लान्स की बात करूं, तो इसमें आपको 3 मरले से इसकी कटिंग स्टार्ट होती है। 3, 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, इस तरह की आपको कटिंग्स इसमें अवेलेबल होती हैं। और इसमें मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 2,85,000 की है सेक्टर 42 की, और ये इजी इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल है। अगर इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो मिनिमम ये 17,000 पे जो है इसकी इंस्टॉलमेंट है। अगर जो लोग विद इन लाहौर एक अच्छी सोसाइटी में बाइंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसकी इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो लॉन्ग टर्म है। 4 इयर्स का ये पेमेंट प्लान है। आपको 4 इयर्स में इन लोगों ने डेवलपमेंट भी करनी है और आप लोगों को ये सोसाइटी डिलीवर भी करनी है। और जो हजरात यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बाइंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अली और हैदर ब्लॉक में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस पर प्लस माइनस आपको 1 लाख के प्लस माइनस जो है यहाँ पे आपको ओन के साथ आपको प्लॉट नंबरिंग मिल जाती है, जिसमें आप फौरी घर बना सकते हैं। ये ऑप्शन ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, या फिर जो आउट ऑफ लाहौर लोग विद इन लाहौर में बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन की बहुत अच्छी है शर्कपुर रोड पर। जो लोग यहाँ पे कमर्शियल्स के हवाले से भी बाइंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 मरला, 2 मरला के कमर्शियल भी अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली कमर्शियल जो होते हैं वो आप ये कहें कि आपको लेवल पे मिले तो वो रेयर ही होता है। आपको उसकी जो प्राइसेस हैं वो उनके ऊपर होगी। वो उस दिन जब आप अगर किसी को कमर्शियल साइड पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से उस दिन के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको उसकी प्राइसेस बता सकूंगी। हमारा जो टाइटेनियम ग्रुप है मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स को डील करता है। हमारी बेसिकली एक क्यूरी ये नहीं होती कि हम क्लाइंट्स को एक चीज़ बाइंग दें या दिलवाएं कि भाई ये चीज़ आ गई है मार्केट में तो उसे सेल करें, नहीं। हम क्लाइंट्स की मकसद जानने के बाद उनको ऑप्शंस अवेल कराते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल साइट पे हों या इन्वेस्टमेंट साइट पे हों। जैसे कि टाइटेनियम ग्रुप ने बहुत से डिफरेंट लोगों को बहुत प्रॉफिट जो है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करा के, कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करा के करवाया है। इस सोसाइटी के हवाले से या पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी के हवाले से, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर मेरा ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए व्हाट्सएप और आईमो पे भी इंस्टॉल्ड है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मेरिनसा सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।